हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अगेन अपनी जो हमारी सीरीज चल रही है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, उसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लास्ट जो टॉपिक था वो था मेरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल के ऊपर, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल की जो है सारी वैल्यूज, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती है, वो आप लोगों को वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के थ्रू पूरी याद कराई थी। तो उसी वैल्यूज के बेसिस पे कुछ सिंपल एंड इजी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जो कि सारे एनसीईआरटी ही बेस्ड होने वाले हैं, क्लास टेंथ के प्रोस्पेक्टिव से। और बाकी जिसके भी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्लियर ना हो, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में कहीं से भी कहीं तक दिक्कत हो, वो जाकर मेरी इससे पिछले वाली वीडियो जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं धैर्य बंसल आप लोगों का वेलकम करता हूँ रेडी स्टडी गो पे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है, छोटी सी क्लास लूंगा बस मैं इसमें, कि हम जिसमें क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो सिंपली क्या है, cos 30 sin 60 प्लस sin 30 cos 60, cos 30 अब sin 60। ठीक है, अब जब इन दोनों के बीच में कुछ वैल्यू नहीं लिखे तो उन लोगों को बहुत क्लियरिफाइड होता है। अगर डेस्ट पॉइंट लगाया तो बेसिकली मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, और अगर कुछ नहीं भी लग रहा होगा, अगर कुछ ऐसे भी लिखा हुआ होगा, तो उसका मतलब भी क्या है, एट द एंड अपन को मल्टीप्लाई ही करना है। अब cos 30 की वैल्यू जरा टेबल ट्राई टू रिकॉल करो, टेबल को रिकॉल करोगे तो cos 30 क्या होता है, जो sin 60 होता है वही cos 30 होता है। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर आप ऐसे चलोगे पूरी sin के लिखने के बाद, अगर उसको रिवर्स में लिखोगे तो वो cos की हो जाती है। तो cos sin 60 क्या होता है, रूट 3/2। तो cos 30 भी क्या हो जाएगा, रूट 3/2 मल्टीप्लाई sin 30 भी क्या होता है, रूट 3/2। चलो जी, अब प्लस का साइन लगा देते हैं, अपॉन तो चल ही रहा है। sin 30 क्या होता है, sin 30 जीरो एंड देन 1/2, यानी 1/2 होता है sin 30। और सेम cos 60 इसका उल्टा, सेम ही हो जाता है, cos 60 हो गया उल्टा है, यानी मल्टीप्लाई हो गया। अब फिर से वही cos 30 क्या हो गया, cos 30 इज रूट 3/2 एंड sin 60 इज ऑल्सो वॉट, रूट 3/2। जब हम इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना चाहेंगे अगर, तो जो सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, चलो देखते हैं। रूट थ्री की मल्टीप्लाई रूट थ्री से हुई तो वो 3 बन गया, और 2 की 2 से हुई तो वो 4 बन गया, दैट इज 3/4, करेक्ट। प्लस दिस इज व्हाट, 1/4 अपॉन, ये क्या हो गया, रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है, वही 3/4। ये अगेन हमारे पास आ गया है, और ऑन सॉल्विंग दिस ऊपर वाले अगर सॉल्व करोगे तो 4/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4/4 / 3/4, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमको पता है सबसे ऊपर जाता तो हमारा आंसर क्या बचेगा एट द लास्ट, 4/3 हमारा पास क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, कुछ नहीं करा है हमने, तो वो ध्यान रखो जब भी जो पर्टिकुलर एंगल्स मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बताया था, दैट इज 0, 30, 45, 60 और 90, अगर ये सब वैल्यूज के साथ हमारा क्वेश्चन डील कर रहा है, उस केस में हम लोगों को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने, केवल और केवल उनकी वैल्यूज पुट ऑन करनी है, और हमारे पास हमारा आंसर क्लियर कट फॉर्म में आ जाएगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पर भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सोबर सा। ठीक है, और दो क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करते हैं, वो सब नॉर्मल से बेसिक बेसिक से, फिर हम लोग अपना जो नेक्स्ट आइडेंटिटी का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें हम 90 डिग्री एंगल के साथ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करते हैं, हम उसके साथ डील करेंगे। तो चलो क्वेश्चन टू के बारे में बात करते हैं। हम क्या ले लेते हैं, कोसेक्स स्क्वायर 45 अपॉन साइन 45 इंटू कॉस 45, ठीक है, प्लस कॉस, यू कुड टेक इट एज कॉस 30 प्लस कॉस, इनफैक्ट लीव इट, कॉस 30 इंटू साइन 60। ठीक है, कुछ नहीं करना, राइट वैल्यूज अप्लाई करनी है, कोसेक्स स्क्वायर 45, देखो स्क्वायर लग गया तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू कोसेक 45 की होती है केवल उसका स्क्वायर कर देना है, यानी कि उसकी मल्टीप्लाई खुद से ही कर देनी है। तो कोसेक स्क्वायर 45 क्या होता है, सेम क्या होता है, किसको अगर याद हो तो हमको क्या पता है, हमारा साइन 45 क्या होता है, 1/√2, और कोसेक क्या होता है, उसका जस्ट इनवर्स, यानी उसका जस्ट रेसिप्रोकल, यानी क्या हो जाएगा, √2। तो रूट टू का स्क्वायर क्या होगा, चलो रूट टू का स्क्वायर ही शो कर देते हैं फिलहाल यहाँ पे, अपॉन अबाउ साइन 45 वही 1/√2, चलो मल्टीप्लाई कॉस 45 भी क्या होता है, 1/√2 प्लस कॉस 30 क्या होता है, रूट 3/2, हमारा क्लियर, प्लस इंटू और साइन 60 भी क्या होता है, रूट 3/2। ऊपर क्या आ जाएगा, ये रूट टू का स्क्वायर क्या होता है भैया, 2 अपॉन 1/√2 इंटू 1/√2 क्या हो गया, 1/2 प्लस रूट 3/2 इंटू रूट 3/2 क्या हो गया, 3/4।
ठीक है। और फिर अगर नीचे आप एलसीएम लोगे तो 2/4 एलसीएम आएगा, ठीक है। 4 आ गया हमारा एलसीएम, 2 की मल्टीप्लाई 2 को 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से, 1 2 2 + 3। क्लियर है इतनी बात सबको, क्या बन गया ये हमारा आंसर, 2/5/4। अब ये 4 ऊपर जाएगा, बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि भैया हमने ये ऊपर क्यों भेजा जबकि अगर नीचे मल्टीप्लाई होता है, वो तब होता है जब ये ऊपर वाले के साथ ये वाला अपॉन होता है, बट यहाँ पर हमारा 2 अलोन है, ये अपॉन नीचे वालों के पास है, जो सबसे नीचे वाले के, मतलब जो नीचे वाले से भी नीचे वाला अपॉन होता है बेसिकली, जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर होता है वो सबसे ऊपर जाता है, ठीक है, तो ऊपर चला गया, तो क्या हो गया 8/5 क्या हो गया मेरा आंसर सिंपली हो गया, क्योंकि 4 2 8 8 और अपॉन में 5 मेरा बच गया है। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है, होपफुली आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी कि हम लोगों को जब भी टेबल से रिलेटेड एंगल्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से नहीं एड ऑन करना, बस वैल्यूज डालकर उसको सिंप्लीफाई करके केवल और केवल सॉल्व कर देना है, उसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा काम हमारा ये नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं और फिर इस टॉपिक को यहीं पर ही ओवर करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस जो लेंगे, बेसिकली पहले मैं आपको आइडेंटिटी समझाऊंगा कि जो साइन और कॉस के बीच में रिलेशन होता है 90 डिग्रीज के रिस्पेक्ट में, वो कैसा होता है कैसा नहीं होता है वो समझाने के बाद फिर हम उसके बेसिस पर कुछ दो चार क्वेश्चन लेकर देखेंगे जो कि प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड ही होने वाले हैं, ठीक है। एक और हम क्या ले सकते हैं जैसे, ठीक है, 10 square 45 दोनों सेम होते हैं तो 1 आंसर आएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, cot square 45 भी क्या होता है बेसिकली 10 का उल्टा, 1/1 इज व्हाट 1, अगेन 1 ही आएगा। 10/30 के बारे में बात करते हैं, अब 10/30 देखो मैंने आपको दो तरीके से बता रखा है, तो आप टेबल याद कर लो या फिर आप इसकी वैल्यू याद कर लो, 10/30 क्या होता है sin upon cos, दोनों की वैल्यू 30 के रिस्पेक्ट में, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, करेक्ट, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, upon cos 30 की क्या होती है √3/2, इस 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर क्या बच जाएगा 1/√3, चलो जी मल्टीप्लाई, cot 30 क्या हो जाएगा जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगा या नहीं होगा सर सोच के बताओ, cot 30 का मतलब क्या होता है बेसिकली sin 30 का, सॉरी 10/30 का अगर हम रेसिप्रोकेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा cot 30 आ जाएगा, 10/30 मैंने आपको पिछले वीडियो में आइडेंटिटीज भी बता रखी है, जाकर जरूर चेक कर लेना, शॉर्ट में भी डाल रखा और वैसे पूरी वीडियो भी बनी हुई है, तो 10/30 क्या होगा 1/√3 और cot 30 का जाएगा इसका जस्ट रेसिप्रोकल, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस रूट से रूट 3 कटा, अपॉन में 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, आंसर क्या पहुंच गया मेरा 2 इज माय ओनली आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये मेरा जो पार्ट है छोटा सा ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें मेरे को समझाने का जो मेन प्रोस्पेक्टिव था वो यही था कि जब भी हमारे पास एंगल्स होंगे जो हम जिनकी वैल्यू हमको क्लियर कट में पता है तो उनको हम डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें हमको कोई हार्ड एंड फास्ट मेथड्स कुछ ज़्यादा ट्रिक्स नहीं लगानी पड़ती। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो, अगर क्लियर हो गया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करो, ताकि और भी मैं आप लोगों को जब भी ऐसा मटेरियल डालूं तो आप लोग उस बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों के पास वो मटेरियल डेली पहुंचता रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।